नमस्कार, मैं सोनम कुमारी, यूथ कॉर्नर में आपका स्वागत है। अहमदाबाद के नरेश प्रजापति की गिनती शहर के कामयाब कारोबारियों में होती है। 10 साल पहले अहमदाबाद में एक मामूली ट्रक ड्राइवर नरेश के आज 22 ट्रक चलते हैं और कारोबार करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा का है। लेकिन नरेश की कामयाबी से ज्यादा बेमिसाल उनका यहां तक पहुंचने का सफर रहा है। 2007 में साड़न में नरेश प्रजापति अपने ट्रक से कहीं जा रहे थे, तभी 11,000 वाट की बिजली लाइन की चपेट में आ गए। करंट इतना तेज था कि नरेश के शरीर का 50% हिस्सा बुरी तरह झुलस गया। 2 महीने नरेश कोमा में रहे, उनके साथ ही 17 ऑपरेशन भी हुए। नरेश की हालत को सुधरी तो परिवार वालों ने उन्हें अस्पताल के बिल के बारे में बताया कि खाते का पूरा पैसा खत्म हो चुका है और परिवार 8 लाख रुपए कर्ज में डूब चुका है। इतना सुनते ही उन्हें फिर सदमा लग गया और वो कोमा में चले गए। बता दें, उस समय पुलिस वालों ने उनकी काफ़ी मदद की थी। 2002 के गुजरात दंगों के समय वो रात दिन ड्यूटी करने वाले कुछ पुलिसकर्मियों को खाना खिलाते थे। इन्हीं में से कुछ पुलिसकर्मी नरेश की हालत का पता चलने पर आगे आए और मेडिकल बिल भरने में मदद की। बाकी पैसा लोगों से उधार लिया और अस्पताल का बिल चुकाया गया। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद नरेश ने जिंदगी को वापस पटरी पर लाने की जद्दोजहद शुरू कर दी। उन्होंने अपने ट्रांसपोर्ट का कारोबार को फिर से शुरू किया और आगे बढ़ाया। इसी दौरान वो एक कंपनी के डायरेक्टर के कांटेक्ट में आए और कंपनी के लिए कंसल्टिंग और लीगल लाइजनिंग का काम शुरू कर दिया। धीमे धीमे कंपनी ने तरक्की की। डायरेक्टर ने भी नरेश की मेहनत को खूब सराहा। कंपनी के साथ साथ नरेश भी आगे बढ़ते गए। अब वो इसी कंपनी में जनरल मैनेजर के पद पर पहुंच चुके हैं। आज उनके पास 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है और मजबूत हौसला। इलाज के वक्त जितना भी कर्ज लिया था सारा उन्होंने चुका दिया है। उनके पास करीब 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। जो नरेश कभी खुद ड्राइवर थे, आज शहर में उनके ट्रक चलते हैं। नरेश का शरीर अब पहले की तरह दुरुस्त नहीं रहा, पंजा काम नहीं करता, लेकिन उनका हौसला पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।